नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ राजश्री थवाई। दो चले तेज रफ्तार अंदाज में देख लेते हैं खबरें। उत्तर प्रदेश के अंतिम और सातवें चरण में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी आज से यूपी के दौरे पर हैं। पूर्वांचल के चुनाव के लिए पीएम अब खुद वाराणसी को केंद्र बनाकर यूपी में डेरा जमाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को जौनपुर और चंदौली में जनसभा करेंगे। जनसभा के दौरान पीएम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे। पीएम के दौरे के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। यूपी चुनाव के सातवें चरण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वाराणसी पहुंचेगी। ममता करीब शाम के 7:30 बजे के करीब एयरपोर्ट आएंगी, जिसके बाद उनका कार्यक्रम है वो दशाश्वमेध वेदघाट जाकर गंगा आरती में शामिल होंगी। ममता बनर्जी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में संयुक्त रैली करेंगी। इस दौरान ममता जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से सपा के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। इधर कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव कर दिया गया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर लगाया गया है। कुशीनगर के फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी हैं। इधर कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे फूट गए। सपा नेता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जा रहे थे, जिस दौरान रास्ते में ही खलवापट्टी गांव के पास कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। स्वामी प्रसाद के काफिले पर हमले के बाद उनकी बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पिता के काफिले पर हमला हुआ है, ये सड़कों पर नजर आ रहा है। बीजेपी शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, आज उनके प्रत्याशी ने पिता पर हमला किया है। पार्टी से बागी तेवर दिखाने के बाद स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, बीजेपी की सांसद हूं और बनी रहूंगी। मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। मैं ना पार्टी से इस्तीफा दूंगी और ना ही सांसद के पद से। हमले के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि निर्धारित रास्ते पर रोड शो करते वक्त बीजेपी के गिरोह बंद लोगों ने मेरे ऊपर और काफिले पर चल रही गाड़ियों पर जानलेवा हमला किया। ये हमला बीजेपी की हताशा का प्रतीक है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कुशीनगर के फाजिल नगर में हुए हमले के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सपा और बीजेपी दोनों पक्षों की तरफ से कुल 49 लोगों पर FIR की है। प्रशासन ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को फाजिल नगर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत कुल 49 लोगों पर केस दर्ज हुआ। छठे चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। चुनाव आयोग ने 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ सातवें चरण के लिए चुनाव में हैं। सीएम ने आज मऊ जिले के मधुबन विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला। मऊ की जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग परेशान हैं कि आज विकास का पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि सपा ने कब्रिस्तान का ही विकास किया है, लेकिन बीजेपी ने माफियाओं को रौंदने का काम किया है। बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद करता है। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन में बेतवा नदी की जलधारा को रोककर माफिया अवैध खनन कर रहे थे, जिसके बाद खनन निदेशक रोशन जैकब ने जालौन खनिज विभाग को फटकार लगाई। भदोही में जिला कारागार में एक वृद्ध बंदी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। यूक्रेन पढ़ने गई हाथरस की शिवानी गुप्ता आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आई है, जिसके बाद परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। आपको बता दें कि 4 साल पहले महिला ने प्रेम विवाह किया था। पति पत्नी में आए दिन कहासुनी होती रहती थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में पुलिस चौकी के सामने तेज म्यूजिक बजाकर लग्जरी गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर युवकों ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में जाकर पुलिस को धमकाया और 10 तारीख के बाद पुलिस की गर्मी निकालने की बात कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
ललितपुर में कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में सवार एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। लखीमपुर खीरी में 3 दिनों से लापता किशोरी का शव खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच कर रही है। यूक्रेन से 5 छात्र लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। अपने बच्चों को एयरपोर्ट पर देखकर परिजन भावुक हो गए, जिसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर डीएम एफआर विपिन कुमार मिश्रा ने पुष्पगुच्छ देकर बच्चों का स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने बताया कि यूक्रेन में खाने पीने की काफी परेशानी है। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस में तकरीबन 50 से 60 लोग सवार थे। हादसे में दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने रात्रि में मंदिर को अपना शिकार बना लिया, वहीं चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। देहरादून में कोविड-19 के चलते माता पिता की मौत हो जाने से बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाने की सूचना का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि ऐसे कोई माता पिता जिनकी कोविड-19 से मौत हुई है और उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे हरिद्वार के छात्र देवांश के लौटने के इंतजार में परिजन परेशान हैं। आपको बता दें कि परिवार वालों का देवांश से 3 दिन बाद फोन पर कांटेक्ट हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में फंसा हरिद्वार का मोहम्मद रहीम 3 दिन से रोमानिया एयरपोर्ट पर घर लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह एयरलिफ्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते परिजन भी परेशान हैं। हल्द्वानी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्र प्रेरणा सुरक्षित नैनीताल पहुंची, जिसके बाद प्रेरणा और उसके परिजनों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। नैनीताल के 4 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। रुद्रपुर में दबंगों ने आरआर क्वार्टर के रहने वाले एक व्यापारी के घर पर बीती देर रात हमला कर बाहर खड़ी क्रेटा कार को धारदार हथियार से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में स्कूल से 10 फीट का अजगर मिला है, वहीं अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। औरैया में सवारियों को लेकर दिल्ली जा रही स्लीपर बस औरैया जनपद में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बस्ती में बिजली के उजाले में डायल 112 पुलिस एलईडी बल्ब की चोरी करता पकड़ा गया, वहीं चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पत्रकार के घर के सामने ही जल रहे बल्ब की पुलिस वाले ने चोरी की थी। फतेहपुर में शिवरात्रि के महापर्व पर बार बालाओं ने ठुमके लगाए, शिव भक्तों ने बार बालाओं के साथ डांस किया। इस दौरान खुलेआम आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बार बालाओं को डांस करते हुए यहां पर जो लोग मौजूद थे, किसी ने वीडियो बनाया, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बाराबंकी में युवक को जय श्री राम और स्थानीय विधायक के समर्थन में नारेबाजी करना भारी पड़ गया, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच जारी है। मिर्जापुर के रामलीला कमेटी बरिया घाट में डीजे की धुन पर भगवान शिव का भव्य बारात यहां पर निकाला गया। बारात पर डीजे की धुन पर भक्त नाचते नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल चारों तरफ मौजूद रहा। बारात में हजारों लोग मौजूद थे। सुल्तानपुर में सड़कों पर शिव भोले बाबा की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान आकर्षक वेशभूषा में कलाकार नाचते गाते और झूमते नजर आए। यूक्रेन में फंसे मुरादाबाद के छात्र कुर्बान आलम अब यूक्रेन से अपने वतन वापस लौट आए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो हालात हमने वहां पर देखे, ऐसे हालातों के बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था, और छात्र ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में 2 ग्राम सभा में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर चोर मौके से फरार हो गए।
आगरा में दो दिवसीय कृषक मेले का सर्किट हाउस में आयोजन हुआ। मंडल स्तरीय कृषक मेले में हजारों किसानों ने फल, साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में दो दिन रंग बिरंगे फूलों का संसार सजेगा, तो विभिन्न गुणों से भरपूर फल सब्जियां आपसी प्रतिस्पर्धा में नजर आएंगी। कृषक मेला 1 मार्च से 2 मार्च तक चलेगा, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को खेत में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक खाद के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही अंतिम दिन जिन किसानों की प्रदर्शनी अव्वल होगी उसको उद्यान विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। कुशीनगर में छठवें चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हो रही हैं। जिले में 1473 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 12,020 सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सभी विधानसभा के 24,34,204 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरदोई में जर्दा कंपनी के मालिक के यहां ईडी ने छापेमारी की। शहर के अवस्थी जर्दा भंडार में ईडी छापेमारी यहां पर करते हुए नजर आए। आज सुबह से ही छापेमारी जारी है। छापेमारी में व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सोनभद्र की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मखौल उड़ाते हो वो गौर परिवारवादी लोग, भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरोध अफवाह फैलाते हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको, भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? सबके सब लोग जिनका टीका लगा हो जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? हर एक को लगा कि नहीं लगा? आपको कोई खर्चा करना पड़ा क्या? आपको जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं? साथियों, भारत का सबसे तेज टीकाकरण अभियान या 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुनिया ये जब सुनती है ना कि 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आंकड़ा सुनकर के ही दुनिया के लोग चौंक जाते हैं। उनके देशों की संख्या से भी अनेक गुना ये लोग हैं जिनको आज भारत उनका घर का चूल्हा जलता रहे, मेरी गरीब मां के बच्चे भूखे न रहे, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है भाई। लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के,
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला आपको पीछे रखने का काम किया, ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा, आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं, जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद तेजी से पक्के घर बनाने का काम आगे बढ़ा करके एक एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पक्का घर यानी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम पक्का घर की बात करते हैं तो हमारी कल्पना साफ है, घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे, नल से जल का अभियान भी हम तेज गति से चला रहे हैं। सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़ रुपए मेरे गरीबों के घर में उनका पक्का घर बने और उनके घर में नल से जल पहुंचे, ये काम मैंने करना तय किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये गौर परिवारवादियों का इतिहास आप जानते हैं, चुनाव में वो यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले
तो कहां कहां खजाना है उसी पर उनके डोरे रहते हैं, उसी पर उनकी नजर रहती है। ये भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की तरह ही खा जाएंगे। खाने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? ये आपके पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं, आपकी मालिकी के पैसे हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमने ऐसी नीति बनाई है कि सोनभद्र जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। अंतिम चरण सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।